उससे बेहतर गुमराह को नहीं करता। इसीलिए लोकतंत्र की जरूरी है, लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था क्या है आप पड़ोसी देश देखिए, श्रीलंका में क्या हालत हो गई गलत नीतियों के कारण। कम से कम कोई ऐसा बैठे जो समय समय पर सरकार को बता सके। और आपने तो देखा था उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर थे वो समय समय पर बताते थे किस जाति के लोग पोस्टेड हैं, क्या सरकार की कमी है। आज कौन बोल रहा है? लेकिन बीजेपी तो शिवपाल सिंह यादव के मोर्चे को लेकर के आप पे हमलावर हो रहे हैं। देखिए नेताजी के लिए ये भाषा बीजेपी की पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि जो सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, जो सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे उनके खिलाफ इस तरह का प्रचार करें, दुष्प्रचार करें। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था, ये भूल जाएगा कोई क्या? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है ये पूरा देश जानता है कि जो लोग सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, जो लोग सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भाषा और व्यवहार कैसा है। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर कभी कहते हैं कि आपको वो मौका दे रहे हैं, दूसरी बार कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ देंगे तो बीएसपी के साथ चले जाएंगे। देखिए ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। तो ये मान लिया जाए कि आपने ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र कर दिया है कि स्वतंत्र विचार अपना रखे और जाए। अरे भाई आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? नहीं, आप पत्रकारिता कर रहे हो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हो? नहीं, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है जब बीजेपी मुद्दों से हार जाती है। मान लीजिए कन्नौज में डीएमएसपी हटाना पड़ा इन्हें, जिसने दंगा कराया वो बीजेपी का विधायक है, बीजेपी की विधायक है, महिला है, उसी का चाहता, उसी का करीबी आदमी जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि कन्नौज में दंगा कराने वाला कोई है तो बीजेपी का विधायक है। क्या आप ये सवाल पूछ सकते हो? जब आज हम राष्ट्रपति का मतदान करने जा रहे हैं, बीजेपी को अपना डीएमएसपी हटाना पड़ा, और क्या फैजाबाद में किन लोगों ने वहां पर धार्मिक स्थानों पर चीजें डाली गई थी? बीजेपी के लोग थे। इसी तरह कन्नौज में लोकसभा की तैयारी चल रही है, लोकसभा की तैयारी से पहले भारतीय जनता पार्टी कुछ भी झूठ बोल 24 की शादी से कैसे बचेंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।